ओम शांति। संगम युग पर जब दोनों बाप मिलते हैं, निराकार साकार में आते हैं, तब वे हमारा श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हैं पवित्रता से, हमारा श्रृंगार होता है दिव्य गुणों से, शक्तियों से, उसके वरदानों से, हमें वो बहुत खूबसूरत बना देते हैं। आत्मा खूबसूरत होती है, मन सुंदर होता है, तो तन भी सुंदर रहता है, कंचन काया रहती है, चेहरे पर नेचुरल ब्यूटी रहती है, किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई भी छोटापन देह में, कोई विकलांगता नहीं रहती। तो आओ हम अपना श्रृंगार करते रहें। कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी सुंदर हो, लेकिन अंदर में क्रोध ही हो, उसमें सद्गुणों का अभाव हो, तो उसकी सुंदरता किसी को भी प्रिय नहीं लगती। लेकिन वो व्यक्ति जो कम सुंदर है, लेकिन बहुत गुणवान है, बहुत चरित्रवान है, उसकी ये वास्तविक सुंदरता होती है, और ये सुंदरता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम ध्यान दें, हमारे पास नम्रता का सुंदर गुण हो, हम मधुर भाषी हों, हम निरहंकारी हों, ये तीन चीज होने से हम बहुत सजे सजाए रहते हैं। हमारे अंदर क्रोध न हो, चिड़चिड़ापन न हो और अभिमान न हो, ये तीन बुराई छोड़ने से हमारा श्रृंगार सदैव चमकता रहता है। यूं तो गुणों और वरदानों से भी हम अपना श्रृंगार करते हैं। बाबा से कोई एक वरदान हम ले लें अपने पूरे जीवन के लिए, ये वरदान संगम युग पर हमारे साथ चलेगा। भविष्य में हम दूसरों की इस वरदान से सेवा कर सकेंगे, और द्वापर युग के बाद हमारा वही वरदान हमारी मूर्तियों के द्वारा सेवा कराएगा। मान लो हमने वरदान ले लिया, मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो आने वाले समय में हम दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने के निमित्त बन जाएंगे, और भक्ति में हमारी मूर्तियों के द्वारा सबके विघ्न नष्ट हुआ करेंगे। तो हम अपने श्रृंगार पर ध्यान दें। कोई बुरे विचार, कोई निगेटिविटी हमारे श्रृंगार में काली माँ तो नहीं लगा देती, इस पे बहुत ध्यान देना है। जो जितना खुश रहता है वो उतना ही समझ लो श्रृंगारा हुआ है, और जो जितना दुखी है, निराश है, परेशान है, समझ ले उसने अपना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। हम भगवान के बच्चे, और सोचने की बात है, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार करने आते हैं, तो हमें स्वयं को उनके आगे समर्पित कर देना चाहिए, तभी तो वो हमारा अच्छे से अच्छा श्रृंगार कर पाएगा। और समर्पणता का अर्थ होता है अपने मैंपन का समर्पण, अपने बुद्धि के अभिमान का समर्पण। जब हम इन दोनों चीजों को अर्पित करके बाबा के आगे पहुंचते हैं, तो बाबा हमें शक्तियों से भरने लगते हैं, वो हमारा सद्गुणों से श्रृंगार करने लगते हैं, वो हमारे चित्त में पवित्र भाव भरने लगते हैं। तो आइए हम अपना श्रृंगार किया करें, और एक वरदान ले लें आज के दिन बाबा से, वो वरदान है विजयी भव। तो आज प्रति घंटा एक बार महसूस करेंगे, हम सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने हैं, और बाबा ने हमारे मस्तक पर तिलक लगाकर ये वरदान दिया, बच्चे विजयी भव, माया जीत भव, क्रोध मुक्त भव। बस इसे स्वीकार कर लें,
ये हमारी विजय है क्रोध पर, माया पर। हर घंटे ये अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से दृष्टि भी लेंगे, वरदान लेने के साथ दृष्टि भी, ताकि दृष्टि से उस वरदान में शक्ति भर जाए। ओम शांति।